हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रखी है, जिसका हम आज सेट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 सेट्स दे दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस सीरीज़ में हम दोनों ही सब्जेक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पोर्शन भी काफ़ी बड़ा है और जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो दोनों को ही हम कवर करते चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020। इनमें से किसको 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ में से पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनू सूद। आप लोग जानते ही हैं कि किस लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2020 रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन। इनमें से किस युवा गणितज्ञ को 2020 का रामानुजन प्राइज़ दिया गया है? तो जल्दी से बताइए, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलिना अराउजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इन इंडिया। आप लोगों को उस कंपनी का नाम बताना है जिसने विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये नेटवर्क इंडिया में लाया है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदौली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस राज्य में चंदौली नेशनल पार्क स्थित है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ लॉन्च्ड ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म भीम। इनमें से किस स्टॉक एक्सचेंज ने एक एग्रीकल्चर के लिए स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है भीम। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE ने एक स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है बीम। तो इजी टू रिमेंबर है, BSE का है बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। इनमें से किसको 2020 का सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हो जाएगा, अशरफ पटेल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इनमें से किस राज्य में कावेरी नॉर्थ के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो आप लोग एक गैस भी कर सकते हैं कावेरी रिवर के हिसाब से, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ वाइट पेपर टाइटल्ड विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वाइलेंस इन इंडिया। इनमें से किसने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है जिसका पर्पस क्या है? पब्लिक हेल्थ पर नज़र बनाए रखना। तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग ने एक पब्लिक हेल्थ सर्वाइलेंस पे वाइट पेपर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शिप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। हाल ही में जीआरएसई कोलकाता ने एक शिप लॉन्च किया है विच इज़ द फर्स्ट ऑफ 3 प्रोजेक्ट 17A शिप्स। देखिए एक हमारा प्रोजेक्ट 17A है जिसमें 3 शिप्स बनने हैं, उसका पहला शिप जीआरएसई कोलकाता ने लॉन्च किया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर बताइए। तो आंसर है ऑप्शन डी हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बीइंग पायलटेड बाय। हमारा एक ब्रांड इंडिया मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये किसका पायलट मिशन है, किसने इसकी शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। राइज इन सी लेवल्स, जो हमारा समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश वाटर। अर्थ पे कितना प्रतिशत फ्रेश वाटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज़। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों के विकास के लिए कार्य करता है? तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन साउथ पोल इज़। साउथ पोल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट विंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इताई इताई डिजीज इज़ कॉज्ड बाय द पॉइजनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इताई इताई डिजीज किसकी वजह से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। इनमें से कौन सा महासागर सिकुड़ रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेस एज वन मूव्स फ्रॉम। दिन और रात के समय में जो अंतर है वो बढ़ता चला जाएगा कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एज वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चले जाते हैं दिन और रात के समय में अंतर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। चाइनीज़ यात्री ह्यूंग सांग ने इनमें से किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थान के बारे में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 40, जो कि किस में आता है, डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? भारत में फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री फिस्कल पॉलिसी बनाएगी और आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल कौन सी नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनाब। ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट of ancient India was written from right to left? इनमें से कौन सी लिपि right से left की तरफ लिखी जाती है, मतलब जैसे कि उर्दू लिखी जाती है उस तरीके से लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरोष्ठी। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए बनाए हैं, इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। Which is the largest mountain range? World's largest floating solar farm launched in which country? The famous figure of dancing girl found in the excavations of Mohenjo-daro was made up of? Which is the highest waterfall in the world? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंटेंट। फिर से कहूँगी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो भी आप लोग की नीड्स हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं टॉपिक्स, वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।